नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सीमा गश्त को लेकर समझौता किया है, जो 4 साल के गतिरोध के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि ये समझौता देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस में 50% हिस्सेदारी के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये डील भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे बड़ी डीलों में से एक मानी जा रही है। पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साथ फिल्म उद्योग में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास शीश महल पर लाखों रुपए का खर्च होने से विवाद खड़ा हो गया है। PwD की रिपोर्ट से महंगे उपकरणों की सूची सामने आई है, जिसमें 16 अल्ट्रा स्लिम 4K TV, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और अन्य विलासिताएं शामिल हैं। विपक्ष ने करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बांग्लादेश के संकट ने भारतीय कपड़ा उद्योग को फायदा पहुंचाया है। संकट के कारण बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात में गिरावट आई, जबकि भारत का निर्यात 6 महीने में 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। खरीदारों का रुख भारत की ओर होने से भारत अपनी निर्यात क्षमता बढ़ा सकता है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें एक डॉक्टर और 6 प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई है। NIA ने जांच शुरू कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने निफ्टी और अन्य F&O सेगमेंट के लॉट साइज में बदलाव किया है, जो 20 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। निफ्टी का लॉट साइज 25 से बढ़कर 75 किया गया है, जबकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के लॉट साइज में भी वृद्धि की गई है। सरकार विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल और सरप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट में संशोधन करेगा, जिससे ऐसे लोगों को नंबर फ्लाइंग लिस्ट में डाला जाएगा। हाल ही में 70 विमानों को धमकियां मिली हैं, जिनमें से कई झूठे साबित हुए हैं। दिल्ली में सर्दी के मौसम के साथ प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों को जागरूक किया और डीजल बसों के खिलाफ भी आवाज उठाई है। भाजपा ने केजरीवाल सरकार की विफलताओं को प्रदूषण का कारण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की मदरसों को बंद करने की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलते रहने की अनुमति दी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से उनका आखिरी अर्धशतक दिसंबर 2022 में आया था। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बाबर को सलाह दी कि वो क्रिकेट से दूर रहकर परिवार के साथ समय बिताएं और फिर घरेलू क्रिकेट से वापसी करें। हाल ही में बाबर को टीम से बाहर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट में जीत हासिल की। भारतीय रेलवे ने बताया कि AC कोच में ऊनी कंबलों को महीने में 1 से 2 बार धोया जाता है, जबकि लिनन पर हर यात्रा के बाद साफ किया जाता है। हाउसकीपिंग स्टाफ ने खुलासा किया कि कंबल केवल दाग या बदबू आने पर ही लॉन्ड्री भेजे जाते हैं। रेलवे में 46 विभागीय और 25 बूट लॉन्ड्रियां हैं। अपनी मोटरसाइकिल को ट्रेन से भेजने के लिए आपको दलालों की जरूरत नहीं है। रेलवे के पार्सल ऑफिस में बुकिंग करानी होती है, जिसमें बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की 2 कॉपी जमा करनी होती है। बाइक का टैंक खाली करना जरूरी है और पैकिंग के बाद एक फॉर्म भरना होता है। लगेज के तौर पर भेजने पर भी टिकट जरूरी है। कीमत दूरी और वजन के आधार पर तय होती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 अक्टूबर को पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा इतिहास रचने के करीब हैं। अगर वो 4 छक्के लगाते हैं तो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित के नाम अभी 88 छक्के हैं, जबकि सहवाग ने 91 लगाए थे।
आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन इसके ब्लास्ट होने का खतरा हमेशा रहता है। इसका मुख्य कारण गलत चार्जर से फ़ोन चार्ज करना। हमेशा सर्टिफाइड चार्जर का ही उपयोग करें और ओवर चार्जिंग से बचें। गर्म मौसम में फ़ोन को कार में ना छोड़ें और बैक कवर में कागज़ या नोट ना रखें। ये सभी सावधानियां फ़ोन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। गूगल फोटोज ने वेब वर्जन के लिए नया अपडेट जारी किया है, जिससे आपके कंप्यूटर की तस्वीरें और फोल्डर ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएंगे। पहले आपको मैनुअली इमेजेस अपलोड करनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ एक बार सेटअप करने पर यह सुविधा काम आएगी। ये सुविधा गूगल ड्राइव के बैकग्राउंड अपलोड जितनी सुविधाजनक नहीं है, लेकिन बेहतर है। भारतीय इंजीनियर प्रभाकर राघवन को गूगल में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने उनके अनुभव और योगदान की सराहना की है। राघवन ने यूसी बर्कले से पीएचडी की है और आईआईटी मद्रास से स्नातक किया है। साथ ही वे याहू लैब्स में भी काम कर चुके हैं। Amazon ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग हफ्ते में 5 दिन ऑफिस नहीं आना चाहते हैं, वे कंपनी छोड़ सकते हैं। AWS के CEO मैट गर्मन ने बताया कि 90% कर्मचारी इस बदलाव के साथ हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों ने ऑफिस आने की आवश्यकता को समय बर्बाद करने वाला बताया है। प्रदूषण और बढ़ते पेट्रोल डीजल दामों के चलते लोग इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रहे हैं। 5 बेहतरीन और किफायती ईवी में MG कॉमेट ईवी 4.99 लाख रुपए के साथ 230 किलोमीटर रेंज में है। टाटा टियागो ईवी 7.99 लाख रुपए और 250 से 315 किलोमीटर रेंज में है। टाटा पंच ईवी 9.99 लाख रुपए के साथ 265 से 365 किलोमीटर के रेंज में आएगा। MG विंसडर ईवी 9.99 लाख रुपए के साथ 332 किलोमीटर के रेंज में है। सिट्रॉन EC3 11.61 लाख रुपए के साथ 320 किलोमीटर रेंज में आएगा। कोरियोग्राफर एमो डिसूजा और उनकी पत्नी पर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस मामले पर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की है। उन्होंने कहा है कि वे जाँच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे और मामले की जाँच में पारदर्शिता बनाए रखेंगे। साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी आगामी फिल्म द राजा साहब में नजर आएंगे, जिसका फैंस भी सबरी से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास 23 अक्टूबर को अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगे और इस दिन फिल्म का एडवांस बर्थडे पोस्टर रिलीज होने की संभावना है। 400 करोड़ के बजट में बन रही यह फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के जोकर और चापलूस कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे हमेशा सच बोलते हैं और नसीर के प्रति सम्मान रखते हैं। अनुपम खेर ने 2020 में हुए विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों में बाद में एक दूसरे को गले लगाया। विवाद के बावजूद उनकी दोस्ती का रास्ता बरकरार है। एकरा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय परिधान निर्यातकों को 9-11% की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत हैं, जो बाजारों में उत्पाद की स्वीकार्यता, उपभोक्ता रुझान और सरकारी प्रोत्साहनों में से प्रभावित हैं। हालांकि कमजोर वैश्विक आर्थिक माहौल और भू राजनीतिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस प्रणाली से वित्तीय समावेश बढ़ने, लेनदेन की दक्षता में सुधार और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीद। ट्रेडनेट मालदीव कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया गया है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित माँ तुतला भवानी झरना एक अद्भुत और पवित्र स्थल है। ये झरना सासाराम से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ ट्रैकिंग और पिकनिक आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की शांत वातावरण और देवी माँ की पूजा इसे एक खास धार्मिक स्थल बनाती है, जो हर पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिहार की मानवी मधु कश्यप ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली दरोगा ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। इसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताया और बिहार सरकार का धन्यवाद किया। मानवी ने बताया कि उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें सम्मानता दी है और जिससे उनकी सोच में बदलाव आया है। अब 17 ट्रांसजेंडर कोचिंग में जा रहे हैं, जिससे समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। स्कॉलरशिप और फेलोशिप दोनों ही शैक्षिक और प्रोफेशनल मदद के लिए होते हैं, लेकिन इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। स्कॉलरशिप छात्रों को शिक्षा में सहायता करती है, जबकि फेलोशिप रिसर्च या प्रोफेशनल विकास के लिए प्रदान की जाती है। दोनों के लिए योग्यता, राशि के इस्तेमाल और चयन प्रक्रिया भी भिन्न होते हैं।
दिल्ली के प्रशांत बिहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए ब्लास्ट के पीछे संभावित नक्सली या पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ब्लास्ट का उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं बल्कि संदेश देना था। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कई एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूलों में कक्षा 8, 9 और 10 के हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर छात्रों के कल्याण की चिंता है तो बेहतर स्कूल खोले जाएं। इससे पहले कर्नाटक में कई बोर्ड परीक्षाओं पर भी रोक लगाई गई थी। सरकार को छात्रों के हित में काम करने की सलाह दी गई है। होंडा सीवी 300F फ्लेक्स फ्यूल भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 1.70 लाख रुपए है। ये बाइक 85% फ्लेक्स फ्यूल और 15% पेट्रोल पर चलने में सक्षम है। इसमें ड्यूअल चैनल ABS LED लाइट्स और 293 और 92 cc का पावरफुल इंजन है। बिक्री इसी महीने के अंत में होंडा बिग विंग डीलरशिप पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को आगरा सिविल एयरपोर्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया। ताजमहल के कारण प्रसिद्ध आगरा के लिए ये लंबे समय से अपेक्षित था। 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल का निर्माण 343.20 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें 1400 यात्रियों की क्षमता और अन्य सुविधाएं शामिल है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है सपना कुमारी, नीतीश, नौसाद रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, कंचन राजवंशी, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, रामबाबू दास, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर शाह, संजीव कुमार, शेख अकबर, मिथिलेश कुमार, रविशंकर। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है, इस दिवाली आप अपने लिए क्या लेने की सोच रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।